हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपने आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मंत्रा बायोमेट्रिक के ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके मंत्रा लिखना होगा, उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी मंत्रा की, और यहाँ पे आपको कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर आना होगा। देखिए यहाँ पर सारे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, विंडो के, एंड्रॉयड के सारे ड्राइवर आपको मिलेंगे। आपको दोस्तों अपना डिवाइस देखना है, जैसे मेरा डिवाइस था MFS 100, तो मेरे को उसके ड्राइवर देखिए, यहाँ पे MFS 100 क्लाइंट के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये दो सॉफ्टवेयर हमें करने हैं, एक तो MFS क्लाइंट और एक ये देखिए सबसे ऊपर है जो MFS के ड्राइवर्स, ये हमें डाउनलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है कि ये देखिए ये टेस्ट की वेबसाइट है डेमो की। ड्राइवर्स करने के बाद पीसी को रिस्टार्ट करके हमें यहाँ पे टेस्ट करना है। अगर आपके ड्राइवर्स और आपके सब कुछ ठीक इंस्टॉल हुआ है तो आपके यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके यहाँ पे डिस्कवरी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस को, जब तक आपका डिवाइस यहाँ प्रॉपर वर्क नहीं करता ब्राउज़र के साथ तब तक आपका डिवाइस नहीं चलेगा। तो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप क्रोम के साथ अपना मंत्रा डिवाइस चला सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा डिवाइस कैसे वर्क करता है, और ड्राइवर्स इंस्टॉल प्रॉपर करने के बाद रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है पीसी को। तो दोस्तों ये स्टेप फॉलो करने के साथ आप अपना मंत्रा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दूंगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।